नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत है राइस ब्लॉग इंडिया यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम आप इस देख रहे हैं हसन खैमाबाद की मूर्ति है, और आज हम यहाँ पर आप घुमाने निकले आए और चलते अंदर को। फिर से स्वागत है राइस ब्लॉग इंडिया यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम आप इस देख रहे हैं हसन खैमाबाद की मूर्ति है, और आज हम यहाँ पर आप घुमाने निकले आए और चलते अंदर को। हसन खैमाबाद का पनोरमा, और इसका जैसे कर कलमों से वसुंधरा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था 2018 में। और फिर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रमुख राजस्थान के प्रमुख जो पनोरमा है उनको दिखाया गया है कि ये हर जिले और राज्य में स्थित हैं। और आज उसने बताया कि अलवर राज्य दिल्ली तक फैला हुआ था। देश राजा हसन खैमाबाद जिन्होंने बाबर को टक्कर दी थी। कमर बोल दे, कमर बोल दे। तो दोस्तों हम बताएंगे आज हसन खैमाबाद का जन्म से लेकर और उनके जो बहादुरी पूर्व में युद्ध किया था और उनके एंड तक, तो चलते हैं दर्शन के साथ मिले।
संबोधित कर रहे थे। आगे चलते हैं दोस्तों, और उन्होंने हसन खान के बाद जो बाल किला है उसका निर्माण किया था, जो बाल किले का अर्थ होता है चोटी पर बना हुआ किला। जैसे कि आपको दिखाया है कि ये जब अफगान हुसैन का युद्ध हुआ था और इन्होंने अफगानों को करारी शिकस्त दी थी। जब उस समय जब हसन खान के बाद को जब संधि प्रस्ताव आया था बाबर की तरफ से, उस समय का संधि प्रस्ताव था, लेकिन उन्होंने उस संधि प्रस्ताव को हटा दिया और कहा था कि हमारे युद्ध के मैदान में हमसे मुलाकात होगी, और इन्होंने बाबर को बहुत ही चुनौतीपूर्ण युद्ध किया था। उन्होंने संधि प्रस्ताव दोस्तों, ये समय हसन खान के पास आना समय दोनों आपस में सहायता करने का वचन करते हैं। इधर है हसन खान के बाद और एक तरफ है राणा सांगा, जैसे कि आपको दिखाया गया है, और दोनों का प्रस्ताव और दोनों बाबर से जो खानवा का युद्ध साधु इसमें पानीपत का पड़ते हैं दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था 1526 में, और इस युद्ध में वीर हसन खान के बाद तीन अपने पिता अलावल खान और इब्राहिम लोदी के साथ भाग गया था। वीर हसन खान के बाद का राष्ट्र सन 1526 में पानीपत युद्ध के बाद उनके पिता अलावल खां की वीरगति के पश्चात मेवाद हसन खां मेवाद का अलवर के राजा के रूप में राजतिलक हुआ था। और ये सीन जब का है, जब नाहर खां को बाबर द्वारा जमानत के तौर पर रखना, बाबर ने वीर हसन खान मेवाती के पुत्र नाहर खान को बंदी बना लिया था। तो ये उस समय का दृश्य है। और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपने पिता अलावल खान के साथ हसन खान मेवाती भी बाबर से लड़े थे, और पानीपत के इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित होने और पिता के मार जाने पर हसन नाहर खान के बंदी बना लिए जाने बोल दे। आज
पर हसन कामेवाद के ऊपर पुस्तक लिखी गई थी, उसका नाम है तुझे के बावरी। और जैसा कि हसन कामेवाद का अकबर नामा जो बाबर थी आए थे, तो चलते हैं घर की तरफ।